पूरे भारत को बधाई, पूरे विश्व को बधाई, पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय हैं उनको बधाई, और पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट को बधाई, क्योंकि जो काम भारत ने कर दिखाया है ये सिर्फ भारत का नहीं है, भारत ये चीज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इसका लाभ उठाएगी। मुझे यकीन था कि 140 करोड़ की शुभकामनाएं जो इस मिशन के साथ थी साइंटिस्ट के। हाँ भैया, आप तो 100 करोड़ बोलते थे, 100 करोड़ बोले, 140 क्यों बोल रहे हैं? 100 करोड़ पर मोदी जी तो 140 करोड़ बोल रहे हैं यार। वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो बोलेंगे, आप तो ना बोलिए। अच्छा चलो हटो फिर, ठीक है चलो। हाँ तो 100 करोड़ भारतीयों को लाख लाख शुभकामनाएं, जिनकी आत्मा, जिनकी रूह इस प्रोजेक्ट के साथ थी, वो अपनी आन बान और शान और अपना स्वाभिमान इसके साथ जोड़ के चल रहे थे, इसकी सफलता को अपनी सफलता मान रहे थे। मैं 140 करोड़ बोलना चाहता था, बस सूरज बदतमीज मेरा ओएसडी है, इसने आके मुझे टोक दिया। तो ये 100 करोड़ लोगों को लाख लाख शुभकामनाएं, पर सवाल उठता है कि इनके अलावा किसको शुभकामनाएं? साइंटिस्ट को शुभकामनाएं, लाख लाख शुभकामनाएं, इसरो को शुभकामनाएं, लाख लाख शुभकामनाएं, और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लाख लाख शुभकामनाएं। और इसके पीछे एक कारण है कि जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे तो बधाई और शुभकामनाएं इंदिरा जी को भी दी गई थी, सेहरा उनके सर बांधा गया था, पुरानी सरकारों का भी इसरो में योगदान है। लेकिन जब कुछ वर्ष पहले हमें इस प्रोजेक्ट में अधूरी सफलता मिली थी, मैं उसको फेलियर नहीं बोलूंगा, असफलता नहीं बोलूंगा, तो उस दिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री का क्या रोल था। और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए, लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। साथियों, परिणामों से निराश हुए बिना निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ने की हमारी परंपरा भी रही है और हमारे संस्कार भी है। हमारा हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है, जब शुरुआती रुकावटों के बावजूद हमने ऐतिहासिक सिद्धियां हासिल की। खुद इसरो भी कभी न हार मानने वाली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। तो यह रोल था हमारे प्रधानमंत्री का, तो उस प्रधानमंत्री को विशेष तौर पर बधाई। वो उस दिन यह भी कह सकते थे कि अरे छोड़ो, क्या करना है क्या नहीं है, निराशावादी भी हो सकते थे, साइंटिस्ट को डिस्करेज भी कर सकते थे। वो हमारी अधूरी सफलता जब मिली थी उस दिन भी हमारे साथ थे, साइंटिस्ट के साथ थे, और आज भी साउथ अफ्रीका से हमारे साथ थे। और आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो किसी वजह से बनाया है। मुझसे लोग कह रहे थे कि आप चंद्रयान पर वीडियो बनाइए, मैंने कहा भाई मुझे उसकी अकल नहीं है, मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, मैं कैसे वीडियो बना दूं। मैं तो इतना जानता हूं कि साइंटिस्ट का योगदान, हम लोगों की दुआएं और मोदी जी का प्रोत्साहन, यह वजह है जो आज यह कामयाबी मिली है और विश्व में हमारा तिरंगा लहराया है। और इसी पर ट्वीट कर दिया ममता बनर्जी ने, बस उस ट्वीट से मैंने एक कहानी जोड़ दी कि तुम तय कर लो कि तुम्हें चंद्रयान वाली सरकार चाहिए या तुष्टिकरण वाली सरकार चाहिए। तो यही है आज का वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, सिख ईसाई, हर आदमी को लाख लाख शुभकामनाएं। और जो 40 करोड़, चलो हटाओ, उदास होके पहले ही अंदर चले गए, ओके चलो बाहर निकलो, सुन के जाना ठीक। तो भैया अब बात करते हैं आज के वीडियो की, कि चंद्रयान की सरकार चाहिए या तुष्टिकरण की सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाहिए या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री चाहिए। ट्वीट किया ममता बनर्जी ने,
उन्होंने कहा भाई इसरो तो इंडिया की टीम है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, बिल्कुल सही बात कही कि इसरो इंडिया क्या है, इस पर किसी का हक नहीं है, कोई किसी की भबौती नहीं है, इंडिया इसरो किसी के बाप का नहीं है। जैसे मैं बार बार बोलता आया हूं कि कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल किसी के बाप का नहीं है। उस वक्त की वो देश की अमानत थी, इस वक्त की ये देश की अमानत है। अब यहां पर टैक्स पेयर का पैसा लगा है, वहां पर लूट का पैसा लगा था, ना ये सरकार का पैसा है ना वो बादशाह का पैसा था। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात बड़ी खूबसूरत जोड़ी मैंने, उन्होंने कहा ये टीम ये इंडिया का, इसरो इंडिया का है, इसरो इंडिया का है। तो ममता दीदी जो तुम इमामों को 2024 के चुनाव से पहले पैसा बांट रही हो, तुष्टिकरण के चलते वो पैसा भी इंडिया का है, तुम्हारे बाप का नहीं है दीदी। अच्छा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप बता दूं। जब 1993 में इमाम काउंसिल ने, आप देखिएगा कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलटा जाता है, जब 1993 में इमाम काउंसिल सुप्रीम कोर्ट जाता है कि हमको इसका, हमको पर मंथ हमारे इमामों को, मौज़म को जो अजान देते हैं उनको सरकार, उनको पैसा मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी परमिशन दे देता है, जिसको हर आदमी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई समझा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जी इमाम को, मौजम्स को बिल्कुल पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन वो सैलरी वक्फ बोर्ड को देनी चाहिए, जो वक्फ बोर्ड अपने रेंटल इनकम से पैसा उठाता है। और इस ऑर्डर को ना जाने लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया, मैं कहता हूं बिल्कुल सही फैसला किया, मिलनी चाहिए। लेकिन फिर सरकारों ने क्या कहा, सरकारों ने यह किया कि जब वक्फ बोर्ड ने कहा कि भैया हमारे पास तो कुछ देने को नहीं है, कुछ देने को नहीं है, हम कहां से दे दें। यह घटना भी दो दिन पहले के लिए, इसीलिए दोनों चीजों को जोड़ के चल रहा हूं कि वोट आपका है, मर्जी आपकी है, प्रचार नहीं कर रहा कि आपको तुष्टिकरण का भारत चाहिए या आपको चंद्रयान का भारत चाहिए। तो जब वो सरकार के पास गए, उन्होंने कहा भैया वक्फ बोर्ड के पास तो पैसा नहीं है, तो सरकार ने कहा क्यों, क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट तो बोल ही चुका है कि इनको पैसा मिलना चाहिए, लो हमसे ले जाओ। और जो वक्फ बोर्ड के रेंटल का पैसा होना चाहिए था, रेंटल इनकम का, भाई वो चलिए इंटरनल मैटर है, जब तक वक्फ बोर्ड है, जब तक वक्फ एक्ट है तब तक है, जब हटेगा तब देखा जाएगा, मैं कहता हूं ठीक है। तो साहब जो पैसा वक्फ बोर्ड को देना चाहिए था वो सरकारों ने कहा परेशान ना हो, हम दे देंगे, तुम अपने इमामों को और मुअज्जिन्स को बांट देना। देखिए साहब क्या ऑर्डर था और क्या ट्विस्ट कर दिया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पिछले साल 500 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड के खाते में क्रेडिट कर दिया। इसी तरह दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले साल 65 करोड़ टैक्स पेयर का पैसा वक्फ बोर्ड के खाते में क्रेडिट कर दिया, जबकि वक्फ बोर्ड की दिल्ली में रेंटल इनकम 30 लाख रुपए थी। तो इस तरह से एक ऑर्डर को पलट के बनाया गया। अब ममता दीदी इस टाइम बहुत परेशान है, ममता दीदी इस मारे परेशान है कि वेस्ट बंगाल में ISF इंडियन सेक्युलर फ्रंट खड़ा हो गया है, सेक्युलर नाम रख के, जो पूर्णता एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, जिसे वहीं किसी एक इमाम ने खड़ा किया है। और हाल के पंचायत चुनाव में 350 सीट रूरल बंगाल में, जहां उर्दू बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, वहां पर पंचायती चुनाव में ISF ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। कहीं कहीं उन्होंने CPIM के साथ भी गठबंधन किया। तो अब ममता दीदी का जो मुस्लिम वोट बैंक था वो हाथ से इनके खिसकता इनको नजर आ रहा है। तो इन्होंने दो दिन पहले कोलकाता में एक बहुत बड़ी जलसा करवाया इमामों का, इमामों का। और एक और बता दूं कि करीबन 12-13 ऐसे स्टेट हैं जो इमाम्स और मौज़म्स को तनख्वाह देते हैं और बाकी किसी को नहीं देते हैं। 4 स्टेट ऐसे हैं जो इमाम्स को भी देते हैं और पुरोहित को भी देते हैं, और पुरोहित को जो देते हैं लगभग इमाम से आधा देते हैं, और पुरोहित को इस मारे मिलता है क्योंकि इमामों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इमामों को इस मारे मिल रहा है क्योंकि पुरोहितों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है।
पुरोहित बेचारों को आधा इस बारे मिल रहा है, क्योंकि इमामों को भी मिल रहा है, तो दिखाने के लिए कि सरकार गवर्नमेंट है तो पुरोहितों को भी देना चाहिए। लेकिन जहां पर ममता दीदी ने अनाउंसमेंट किया कि 500 रुपए अब सबके बढ़ेंगे, उस महफिल में पुरोहितों का नाम भी आया, मौजम्स का भी आया और इमामों का भी आया, लेकिन उस महफिल में बुलाए सिर्फ इमाम गए और मौजम गए जो अजान देते हैं, पुरोहित नहीं बुलाए गए। तो सुनिए ममता दीदी ने क्या बोला। जन्नो अमर क्षुद्र समर्थ इमाम दे जन्नो अमी 500 टका बढ़ालम, मुअज्जिन दे जन्नो 500 टका बढ़ालम আর পুরোহিতদের জন্য 500 টাকা বাড়ালাম। আপনারা অনেক সকালে এসছেন, হয়তো ফিরেও যাবেন, অনেক দূর দূর থেকে এসছেন। ববি ঠিক মতো খাবার টাবার দিয়েছে কিনা আমি জানি না, অনেক খিদেও আছে আপনাদের পেটে, কিন্তু মনে রাখবেন আমার এখন একটাই খিদে, কি বলুন তো, বিজেপি হটাও ইন্ডিয়া বাঁচাও, বিজেপি হটাও ইন্ডিয়া বাঁচাও। শোনা আপনি, इमामों को पैसा देने के बाद 500-500 रुपए और बढ़ाने के बाद नारा क्या दिया गया, बीजेपी हटाओ और इंडिया बचाओ। तो आप लोग जहां एक तरफ ममता दीदी इमामों को खुश कर रही हैं और उनसे बात कर रही हैं, उधर एक प्रधानमंत्री है जो साइंटिस्ट से बात कर रहा है और उनका हौसला बढ़ा रहा है। अब यह आपके ऊपर है कि 2024 में आकर आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, दीदी को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके दीदी को वोट दीजिए, INDIA को वोट दीजिए, देखिए प्रचार कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए तो जाके मोदी जी को और NDA को दीजिए। अब आप सुनिए इन्होंने वादे क्या किए थे और आखिर में दे क्या रहे हैं, और ISF का MLA इंडियन सेक्युलर फ्रंट का MLA क्या बोल रहा है। कि इससे पहले ममता बनर्जी ने बोला था इमाम के लिए 2 या 3 कट्टा जमीन देगा, उन लोगों का घर बना देगा, उनको जो उनका परिवार का जो लड़का लड़की है उनको पढ़ाई का पूरा जिम्मेदार सरकार लेगा। वो बात अभी भूल गया, सिर्फ उनको बुलाया गया है इस बार 2024 इलेक्शन है, इस इलेक्शन को पार करने के लिए उन लोगों के जरिए से कैंपेन कराने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो लोग ये काम नहीं करेगा। वो लोग इंडिपेंडेंट है, वो लोग जो समाज में जो गलत हो रहा है उसको बोले, उसके खिलाफ बोलेंगे। जो सैलरी तुम्हारा जो हनरियम है जो उसको 10,000 के आसपास कर देगा, इस यही बोल के इसको लेके आए इधर इमाम लोग को, इधर आके देखा है सिर्फ 500 रुपए भीख के तरह से लोग को देना दे रहे जी। अब आप लोग सोचेंगे ये ISF का गठन क्यों हुआ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट का गठन वेस्ट बंगाल में इस मारे हुआ क्योंकि दीदी जो वादे करके लाई थी इमामों को देने के लिए वो वादे पूरे नहीं करे। 10,000 रुपए महीना इनकी तनख्वाह बताई गई थी कि मिलेगी, बच्चों की एजुकेशन फ्री मिलेगी, आपको छोटी जमीन का टुकड़ा मिलेगा जिस पर आप अपना मकान बना सकते हैं, और उस मकान को बनाने के लिए 5,00,000 रुपए का आपको लोन मिलेगा, और इसके अलावा जो भी कुछ मिलेगा, ये मेन चीजें थी। इसीलिए इमाम भाई मियां भाई बिफर गए, उन्होंने कहा तुम हमें 3,000-3,000 रुपए दे रही हो, 500-500 बढ़ा रही हो, कोई जकात दे रही हो क्या। तो इससे पहले बिफर के उन्होंने ISF बना ली, और ISF बना के अब आगे जाकर या वो CPIM के साथ तय करेंगे अपनी डील कि तुम जीत के आओगे तो तुम हमें क्या दोगे, या दीदी के साथ ही भी तय कर सकते हैं कि अगर तुम जीत के आओगी, अगर तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तुम्हारे इतने जीते या अगले चुनाव में तुम इतना जीती तो तुम हमें क्या दोगी। तो इन्होंने ममता दीदी के छत्रसाया से हटकर एक अलग आवाज बना ली कि तुष्टीकरण करना है तो जम के करो और बढ़िया करो। तो अब आप लोग को तय करना है कि 2024 में आपको कौन सा विजन चाहिए, चंद्रयान चाहिए या ये चाहिए जो मैंने आपको दिखाया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।